देखिए, ये सवाल हमसे बार बार यही पूछा जाता है कि आपके आने से किसको नुकसान होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है। हम ये समझते हैं कि पिछले 70 सालों तक हमने दूसरों के फायदे के बारे में सोचा और दूसरों को इसका फायदा मिला भी, लेकिन कहीं ना कहीं आज देश भर के अंदर देखिएगा कि हमारा सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कहीं पर भी ये दावा करने के लिए नहीं आए हैं, कहीं पर भी ये बोलकर नहीं आए हैं कि हम गुजरात आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की हम नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर ट्राइबल्स है, दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यकीनन मुसलमान एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि देश में मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया किया गया है राजनीतिक तौर के ऊपर कि यहाँ पर हमको सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राजनीतिक हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए आज MIM पार्टी को इस तरह से रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। हैदराबाद में ओवैसी सीट के गढ़ में बीजेपी ने वहाँ पे सेंधमारी की है, तो बीजेपी के गढ़ में गुजरात में AIM सेंधमारी करने वाली है। देखिए, गढ़ किसी का भी नहीं होता। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हैदराबाद जो है वो असदुद्दीन अवैसी साहब का गढ़ है या MIM पार्टी का गढ़ है। वहाँ पर हमारे चाहने वाले थे और MIM पार्टी जो है वो एक शहर से शुरू हुई थी। हम कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस, लोगों का विश्वास और लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, हमको ये उत्साह मिल रहा है। आज हम गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है, भारत देश का हिस्सा नहीं है, हमको भी अधिकार है। जिस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आकर अपना नुमाइंदा वहां पे तय करती है, हमको भी अधिकार है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम आज गुजरात में आए हैं। और यकीनन इतने सारे आप लोग जो आए हैं, इस बात का अंदाजा होता है कि हमारी जरा सी आहट के ऊपर आज इतनी बौखलाहट हो गई है। सोचिएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो क्या हाल रहेगा।